एजुकेशन हब के नाम से विश्व भर में मशहूर राजधानी देहरादून अब नशे का अड्डा भी बनती जा रही है, जिसे देखते हुए पुलिस महकमे की ओर से ऑपरेशन सत्य चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सत्य के तहत जहां अब तक कई युवाओं को रेस्क्यू किया जा चुका है, तो कई युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा जा चुका है। देखिए, ये अभियान काफ़ी समय पहले चला था और इसमें अभी नई टीम भी इसमें गठित की गई है, तो इसमें हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है नशे से, जो एडिक्टेड है, उनकी काउंसलिंग करा रहे हैं एक्सपर्ट पैनल से, थाने स्तर पर भी काउंसलिंग हो रही है, और जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको लगातार हम अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके उनको अधिकतम हम सजा दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। देहरादून हरिद्वार ये काफ़ी इसमें सेंसिटिव है, और ख़ासकर मैं देहरादून को इसमें देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एजुकेशन हब है और बाहर से आकर बच्चे पढ़ रहे हैं, और काफ़ी इन बच्चों को बचाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जो ड्रग पैडलर्स हैं और इन लोगों की इन बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा नज़र है, और बहुत जो शिकायतें हमारे पास में आ रही हैं मोस्ट ऑफ ऐसे ही आ रही हैं कि कॉलेजेस के अंदर जिस तरह से चल रहा है ये सारी चीज़ें, ये अपने चिंता का विषय है। और गौरतलब है कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में नशे का कारोबार काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है, विशेषकर अगर हम बात देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद की करें तो यह वह जनपद है जहां पर नशा काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। आखिर पुलिस महकमा किस तरीके से नशे के इस कारोबार पर ब्रेक लगाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए प्रगति पचौली की रिपोर्ट।